आपको देखेंगे और जब सब खत्म करेंगे जो आप बात करेंगे आप बात करेंगे मैं आज आपके तवज्जो से पाकिस्तान के मुंतखब होने वाले नए वजीर आजम इमरान खान साहब को मुबारकबाद देते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मुबारकबाद और बात करने का मौका दिया और सबसे ज्यादा शुक्रिया पाकिस्तान की आवाम का कि जिन्होंने जमहूरियत को एक मौका दिया और ये मौका मौका गनीमत है जनाब स्पीकर। इस मौके की भी एक मोहलत एक मुद्दत और एक वक्त है। ये वक्त फैसले का वक्त है फैसले की घड़ी है। ये वक्त उम्मीद और यकीन के दरमियान का वक्फा है। ये वक्त इंतजार और एतबार के दरमियान की मोहलत है। ये सब्र और शुक्र की मुद्दत है जनाब स्पीकर। इन्हीं दरमियानों में इम्कानात की एक ताज़ा दुनिया आबाद है। ये इम्कान तब्दीली का इम्कान है। ये इम्कान तब्दीली का इम्कान है। ये इम्कान खुशहाली और इस्तेमाल का इम्कान है। ये इम्कान तरक्की और तामीर का इम्कान है। ये इम्कान तालीम तहजीब और तरबियत का इम्कान है। लेकिन जनाब स्पीकर जो कुछ आज यहाँ पे हुआ है लगता नहीं है कि ये मोहलत मिल पाएगी। आज जमहूरियत पर खुदकश हमला हुआ है। इस तरह के हालात में ये जमहूरियत नहीं चल पाएगी जो पहले ही कमजोर और लरसती हुई जमहूरियत है जो जागीरदाराना जमहूरियत है। आज इम्कानात की दुनिया मौका दे रही है हमें मौका दे रही है कि हम अजनबियत और नफरत की दीवार गिराएं और अपनाइयत और मोहब्बत के पुल तामीर करें। जनाब स्पीकर ये मौका है तब्दील करने का। एक बोसीदा दीमक जदा गली सड़ी जागीरदाराना जाबिराना जाहिलाना और जाली जमहूरियत को एक नए एहद के तकाबुल से हम आहंग एक जदीद एक कामयाब एक शराकती शमूलियती अमली असली और आवामी जमहूरियत से। जनाब स्पीकर ये मौका है ये इम्कान है पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट में तब्दील करने का। लेकिन जब इस ऐवान के हालात ये होंगे वाकियात ये होंगे सब कुछ बदल के रह जाएगा। जनाब स्पीकर पाकिस्तान के आवाम से तब्दीली का वादा किया। आज पाकिस्तान में जमहूरियत अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत है कि जमहूरियत का तसलसल है कि हुकूमत इख्तदार एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हुआ है। आज जमहूरियत का तसलसल है जमहूरियत का सफर जारी है। एक जमहूरी दौर के खात्मे से एक दूसरा जमहूरी दौर शुरू हुआ है। जमहूरियत को जमहूरियत ने रिप्लेस किया है जमहूरियत को आमरियत ने रिप्लेस नहीं किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत के पीछे भी जमहूरियत और इंशाअल्लाह जमहूरियत के आगे भी जमहूरियत होगी। 2002 से लेकर और 2018 तक इस 16 सालों में जमहूरियत ने आमरियत का रास्ता रोक के रखा है। लेकिन जो हालात आज यहां नजर आए हैं और जो पैदा किए गए हैं उसने बहुत सारे अंदेशों को जन्म दिया है। जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। लेकिन जो रिस्पॉन्स आज दिया गया है उसने हमारी एबिलिटी में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जो हालात पैदा कर दिए गए उसके बाद बात करने की गुंजाइश बहुत कम रही है। बहरहाल एक ऐसे इंतखाबात जिस पे हमारे भी तहफ्फुज़ात रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब की इस यकीन दहानी के बाद कि आप दिल खोलकर
जहां जहां आपका दिल करता है, जहां जहां आपके अंदेशे हैं, जहां जहां आपकी शिकायत है, वहां भी आपके हल्के खोलना चाहते हैं, तो आप हल्के खोलें। और इंशाअल्लाह ताला हम जो हम रुजू कर रहे हैं इस हवाले से भी, और इसके साथ साथ आज के दौर में वो सारे मसाइल जिसका पाकिस्तान को जिसका सामना है, उसको दूर करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, मैं जिन इलाकों का मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 35 साल में रखती है, सिंध के शहरी इलाकों का, जनाब स्पीकर इस दफा की मरदमशुमारी में सिंध के शहरी इलाकों की आधी आबादी को लापता कर दिया गया है। मरदमशुमारी के नाम पर शायद ये समझा गया कि सिर्फ मर्दों को गिनना है, औरतों को गिना ही नहीं गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने वादा किया था कि सैंपल मरदमशुमारी कराई जाएगी, लेकिन नहीं कराई गई। जनाब स्पीकर, एक पूरी कौम को डिस्फ्रेंचाइज किया जा रहा है। पहले तो हमें कम गिना गया है, फिर उस कम गिने हुए और आधे गिने हुए आबादी में भी एक इंतहाई मुतासिबाना हल्काबंदियों के जरिए हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया गया है। जनाब स्पीकर, जरूरत इस बात की है, पाकिस्तान का की बदनसीबी यह है कि जमहूरी दौरों में बुनियादी जमहूरियत नहीं रही है, बलदियाती हुकूमतें नहीं रही है। आईन तकाजा यह है कि आर्टिकल 140 के तहत एक ऐसी बलदियाती हुकूमत जो सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर और माली तौर पर खुद मुख्तार हो, उसको कायम किया जाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इन तमाम इम्कानात और जरूरियात पर बात करेंगे। जरूरत इस बात की भी है कि सहमान में सिंध के मतरूका सिंध के ऊपर बात की जाए कि इसका हकदार कौन है और ये किसके से छीना गया है। जनाब स्पीकर, मुझे कहना बहुत खुश था, लेकिन आज जो कुछ हो गया है, खदशात और अंदेशे बढ़ गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब ने जो तब्दीली का वादा किया है, उनका वादा अब इरादे में तब्दील हो जाना चाहिए, और अब इंतजार उस तब्दीली का है जिससे पाकिस्तान की आवाम का मुकद्दर तब्दील हो, कि ये जो आज जमहूरियत है, जिसको हम कहते हैं कि इसका तसलसल है, ये जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम को उसकी ख्वाब की मंजिल तक लेके नहीं जा सकती। ये मौरूसी जमहूरियत, ये खानदानी जमहूरियत, एक तब्दीली उस वक्त आएगी जनाब स्पीकर, तब्दीली उस वक्त आएगी कि जब इस ऐलान में किसानों की नुमाइंदगी किसान और मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहे होंगे, जब इस ऐलान में आवाम की नुमाइंदगी आम आवाम कर रही होगी, खानदान नहीं कर रहे होंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम सब उस दिन को जरूर देखेंगे कि जिसका वादा है कि मैं आम और आज फिर पाकिस्तान, जिससे हमारी शिकायतें हो सकती हैं लेकिन हमारा वतन है, आज फिर इतनी तमाम मजबूरियों, कमजोरियों और इतनी शिकायतों और इतने जुल्म और जब्र के बावजूद भी हम एक बार फिर कहते हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अरे वतन, कि तेरे आर में बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो तो तेरे सहराओं को गुलजार करे, हम तो मजबूर वफा है मगर ऐ जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता। जनाब अफसर मेंगल साहब।